नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ के बारे आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है खबरों का। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 17 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस दौरान लॉकडाउन को 100% सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस की कार्यशैली चिंता का विषय है। मार्गों पर घूमते लोग, बाजारों में खुल रही दुकानें इस बात को बताती हैं कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस की लापरवाही काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसकी बदौलत लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन कर रहे हैं। और यह सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कोरोना वायरस का कड़ाई से पालन करने की लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदारों से कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ताजा मामला फतेहपुर के कलेक्टरगंज इलाके में स्थित राज कलेक्शन में देखने को मिला है, जहां पर कपड़ा शोरूम के संचालक द्वारा भारी तादाद में लोगों को शोरूम के अंदर प्रवेश कराया जाता है और फिर से शोरूम का शटर गिराकर दुकानदारी लगातार की जा रही है। राज कलेक्शन के मालिकाना द्वारा जिस तरह से कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोरोना नियमों को ताक पर रखकर व्यापार किया जा रहा है, वह अपने आप में प्रशासन को मुंह चिढ़ाने जैसा है, क्योंकि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं और जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं, जिसका आलम यह हो रहा है कि लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक बार खास खबरों के लिए बनी रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।